अल्लाह में अबू बकर से राजी हो गया, तुम भी इससे राजी हो गया। या अल्लाह में अबू बकर से राजी हो गया, तुम भी इससे राजी हो गया। यारे शोर के अंदर गए, जो एक सुराख रह गया था, सुराख के ऊपर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने अपने पांव की एड़ी रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने की गोद में सर रख के आराम फरमाने लगे। आधी रात का वक्त हुआ कि एक आंसू हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने की आंखों से निकला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर जा गिरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में ख्याल आया कि अभी अगर कारोबार मालो दौलत बीवी के अंदर ठंडा पानी भरा जाता है। आपको भी चाहिए किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी कर दें, तो इंशाल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसका अजर आपको जरूर दे। ये उल्टे आपको देखिए, आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं पहुंचकर मगरब और इशा की दो नमाजें इसी मस्जिद मशारुल हराम में अदा की थी। ये मस्जिद भी सारा साल बंद रहती है, साल में सिर्फ एक ही दिन खोली जाती है। ये सीधे हाथ पर जो मस्जिद है, इसका नाम है मस्जिद मशारुल हराम, मैदान मुजदलफा के अंदर ये मस्जिद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर मगरब और इशा की दो नमाजें इकट्ठी अदा की थी और सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद यहाँ से सीधे आगे जमरात शैतान को कंकरियां मारने के लिए चले थे। ये है मस्जिद मशारुल हराम मैदान मुजदलफा। ये मस्जिद भी सारा साल बंद लाजमी होती है, तीन दिन 49 कंकरियां मारना लाजमी होती है। तो सब लोग जो होते हैं, कोई 50 इकट्ठी करते हैं, कोई 51 इकट्ठी कर लेते हैं ताकि कम न रह जाए। 49 लाजमी चाहिए तीन दिनों के लिए। पहले दिन बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारकर कुर्बानी की जाती है और उसके बाद हलक करवाई जाती है। उससे अगले दिन आकर फिर जोहर की नमाज के बाद सबसे पहले छोटे शैतान को 7 कंकरियां, फिर दरमियाने वाले शैतान को 7 और उसके बाद फिर बड़े शैतान को 7। इसी तरह 21 कंकरियां उससे अगले दिन, पहले दिन सिर्फ 7। अल्लाह ताला ने एक जगह पर छोटे छोटे तरीके से इतना बड़ा हाथों का लश्कर सकाह बर्दाश्त करवाया जो खाना काबा पर हमले के लिए तैयार था। आगे मीरा का बोर्ड लगा हुआ, इस्लाम उनका लकब था, खलीलुल्लाह अल्लाह का दोस्त। तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने बीवी बच्चे को जंगल दिया, वहां का बैतुल्लाह जब छोड़ कर आए थे, कोई चीज नहीं थी। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया गया कि वहां पर जाकर छोड़ा। तो बच्चा ऐसा ऐसा बड़ा हो गया, जवान हो गया, अल्लाह ताला ने दोबारा फिर अपने खलील से इम्तिहान लिया कि अब अपने बच्चे की कुर्बानी करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए इस जगह पहाड़ के ऊपर देखिए, सफेद रंग का छोटा सा गुंबद है और उसके अंदर गोल काला सुराख है, वो है मकाम इस्माइल अलैहिस्सलाम। यहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की राह में अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए लेकर आए थे। अल्लाह ताला को अपने खलील से इम्तिहान मंसूख में कुर्बानी मंसूख नहीं थी। जब उन्होंने यहाँ पर अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लटाया तो अल्लाह ताला ने जन्नत से बेटा भेजकर उसकी कुर्बानी करवा दी। दौरान यहाँ पर मीना के अंदर इसी मस्जिद वाली जगह पर क़याम किया, अपनी नमाज़ें अदा की। इसका नाम है मस्जिद खैर और आगे इसके तीन चार पुल में ऊपर बड़ी सारी कपड़े की सफेद गोल छतरी जो लगी हुई है वो है जमरात शैतान वाली जगह। बिल्कुल सामने देखे उल्टे हाथ पर तीन चार पुल, ऊपर कपड़े की बड़ी सारी सफेद रंग की छतरी जो है ये है जमरात शैतान वाली जगह। इसके अंदर तीन शैतान है, छोटा शैतान, बड़ा शैतान और उससे बड़ा शैतान।
उपराज ग्राम पहले दिन बड़े श्रद्धाम को साथ करके या मार कर कुर्बानी करते हैं और उसके बाद हलक करवाते हैं। फिर उससे अगले दिन आकर जोर की नमाज के बाद सबसे पहले छोटे शैतान को साथ कंकरियां, फिर दरमियाने वाले शैतान को साथ और उसके बाद फिर बड़े शैतान को साथ। इसी तरह 21 कंकरियां उससे अगले दिन, 3 दिन 49 कंकरियां मारना लाजमी होती है। अभी हम पहाड़ के अंदर से गुजरेंगे, पहाड़ काट के रास्ता बनाया गया सुरंग है, इसको अरबी में नदक बोलते हैं। यहाँ से गुजर कर हम सीधे जा रहे हैं जबले नूर पहाड़ गारे हिला की तरफ, लेकर 2500 फुट तक इसकी बुलंदी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से जल्दी घर तशरीफ लेके घर जाकर हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला खाना काबा के इमाम मुअज्जिन और बड़े बड़े उलमा कराम जो है आराम फरमा रहे हैं। ये सीधे हाथ पर जो मस्जिद है इसका नाम है मस्जिद फतेह और ये उल्टे हाथ पर है जो ये है मस्जिद शजरा, बिल्कुल सामने हरम है। 2-3 मिनट में पैदल आप जहाँ से आ सकते हैं सफा मरवा की बैक साइड से निकल गए। तो सब बुलंद आवाज से पढ़े लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।